काशी क्षेत्र क्या है और पुराणों और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें क्या काशी क्षेत्र के परिसीमन का भी वर्णन है कि काशी क्षेत्र है कितना बड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, आप जाने कि तमाम स्थलों पर काशी की व्याख्या है, काशी के स्वरूप की व्याख्या है, विस्तार की व्याख्या है। तो हम आपको बताते हैं कि काशी का जो मूल क्षेत्र है वो क्या है। पहली बात तो पंच योजन विस्तीर्ण, मैंने कहा कि पांच योजन में काशी है, यह इसका अति सूक्ष्म रूप है, यही काशी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही काशी है। काशी का जो परिसीमन है वो उत्तर में यम विनायक, एक तरफ सूर्य टंकेश्वर, एक तरफ मार्कंडेय महादेव, और पांच योजन की जो काशी है उसका यह एयर डिस्टेंस है। चारों तरफ इसी आठ कोणों पर बसी हुई, आठ कोण है जो काशी के, काशी रूपी महायंत्र के, वाराणसी रूपी महायंत्र के, उसके कोणों पर सब देवता बसे हुए हैं, उनकी स्थापना है। तो एक तरफ आप यह विनायक को पाते हैं जिनको जिसको वरुणा घाट कहते हैं, वरुणा शमशान है, वो भी महाशमशान है। एक तरफ शूल टंकेश्वर है जो सर्वप्रथम महादेव ने अपने शूल से जो आघात किया, जो उसे उस प्रहार से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उप ज्योतिर्लिंग निकला, उसे शूल टंकेश्वर कहा गया। वहीं से काशी की शुरुआत है। और काशी का अंत जिसे पुराणों में गर्गेश्वर महादेव कहा गया है, आज उसे मार्कंडेय महादेव के नाम से जाना जाता है। वह महर्षि गर्गाचार्य का आश्रम उसी तट पर था, वहां गर्गेश्वर महादेव भी स्थित है, वहां मार्कंडेश्वर महादेव भी स्थित है, दोनों की पूजा होती है। मूल महामृत्युंजय मंदिर भी वही है। महामृत्युंजय का नाम हम सभी सुनते हैं, काशी के एक छोर पर जिन्हें मार्कंडेश्वर कहते हैं, मार्कंडेय महादेव कहते हैं, वो मूल रूप से महामृत्युंजय लिंग है, जहां महर्षि मुकुंड ने भी अपनी साधना करके अमरत्व का वरदान पाया। तो काशी एक सूक्ष्म रूप में तो पांच कोश की है, लेकिन विस्तृत रूप में काशी 84 कोश की है। और इसका मध्य क्षेत्र जो है वो बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जो आज आदि विश्वेश्वर मंदिर, अवमुक्तेश्वर मंदिर विभिन्न नामों से जाना गया। उस मंदिर के सीध से जब आप आठ कोण में विभाजित करेंगे तो 84 कोस की काशी आपको समझ में आएगी। काशी का जो बृहद विस्तार है वो 84 कोस का है, जो सूक्ष्म विस्तार है वो 5 कोस का।